हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो मैं इस वीडियो को फिर दोबारा से, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर और प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। इमेज इन्हेंसमेंट, यानी कि इमेज इन्हेंसमेंट जो वीडियो जो हमारा है ये वाला, इसके अंदर यूनिट 2 में मैं बात कर रहा हूँ इमेज इन्हेंसमेंट, कैटेगरीज ऑफ इन्हेंसमेंट, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ये जैसा कि आपने पढ़ा ही है कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ग्रे लेवल स्लाइसिंग, इमेज सब्ट्रैक्शन, द पर्पस ऑफ एवरेजिंग एंड द मीन ऑफ माई मास्किंग मास्किंग्स ऑफ एन इमेज, फॉर्मूलाज फॉर नेगेटिव एंड लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका बिट प्लेन स्लाइसिंग हो गया। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हिस्टोग्राम को हम पढ़ सकते हैं। ग्रे लेवल के अंदर ये रेंज सेट होती हैं 0 to L-1, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट डिस्क्रीट फंक्शन लगाते हैं। हिस्टोग्राम, इक्वलाइजेशन हो गया, और लीनियर नॉन लीनियर स्पाशल फिल्टर, ये आपका हाई बूस्ट फिल्टरिंग है, लाप्लासन फिल्टर है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है आपका। तो ये यूनिट नंबर 2 के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं। मीडियन फिल्टर, मैक्सिमम फिल्टर, मीन फिल्टर, तो ये यूनिट नंबर 2 की बात मैंने करी थी। अब इसको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हैं इमेज रिस्टोरेशन एंड ऑपरेटर्स, ऑल आर द ऑपरेटर्स, ऑल ऑपरेटर्स आर कवर्ड थ्रू इन दिस सेक्शन, एंड द डिग्रेडेशन प्रोसेस इन मॉडल लीनियर ऑपरेटर्स, एंड देन द सर्कुलेंट मैट्रिक्स। सर्कुलेंट मैट्रिक्स के बाद हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक अप्रोच की। एल्जेब्रिक अप्रोच क्या होता है, ये भी एक अच्छे टॉपिक्स में से हम उसको कवर कर रहे हैं। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने कुछ और स्पाशल रीएलोकेशन ऑफ पिक्सल, तो पिक्सल को हम डेप्थ में पढ़ते हैं, तो वो आपका डिस्टॉर्टेड एंड करेक्टेड सिग्नल्स आते हैं, तो वो इमेजेस को हम कह सकते हैं। तो ये डिग्रेडेशन फंक्शंस हैं आपके, टाइप्स ऑफ नॉइज मॉडल्स हैं, एंड नॉइज नॉइजी डेटा है इन टर्म्स ऑफ द गोसाइन फिल्टर्स, एंड देन जस्ट इन ग्रे लेवल वैल्यूज, गामा नॉइज़, एक्सपोनेंशियल नॉइज़, यूनिफॉर्म नॉइज़, इम्पल्स नॉइज़, एंड देन इनवर्स फिल्टरिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ये मैं इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अब सबको तो हम वन बाय वन नहीं बोल सकते हैं, कोशिश है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस बताए जाएं, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप प्रायोरिटी पर सेट कर सकते हैं। ये आपका इनडायरेक्ट एस्टिमेशंस हैं, इन इन्हेंसमेंट एंड रिस्टोरेशन, ये भी सेगमेंटेशन के अंदर जब हम कंपेयर करते हैं इमेज सेगमेंटेशन, इमेज रिस्टोरेशन एंड इमेज इन्हेंसमेंट, तो ये वहाँ पर आ जाता है। कि किसी तरीके से आपका यूनिट नंबर 4 है डेटा कंप्रेशन, इमेज कंप्रेशन, एंड देन कंप्रेशन टेक्निक, ऑल कंप्रेशन टेक्निक्स आर कवर्ड थ्रू दिस सेक्शन, रिडंडेंसी, रन लेंथ कोडिंग, इनकोडर, सोर्स कोडर, चैनल इनकोडर, ये आपका थोड़ा सा मल्टीमीडिया वाला पार्ट है, यहाँ पर हम उसको हाफ मैन कोडिंग, ये मल्टीमीडिया सेक्शन के थ्रू कवर होता है, क्योंकि इमेजेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनको मल्टीमीडिया सेक्शन पे जरूर लेके जाते हैं। अर्थमेटिक कोडिंग, क्वांटाइजेशन, जेपीजी, जेपीजी क्वांटाइजेशन भी अच्छा टॉपिक है, आपको जेपीजी एमपीजी की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इमेज फॉर्मेट की बात करते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन में भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। एमपीजी, जेपीजी, डिकोडर, आई फ्रेम्स, पी फ्रेम, बी फ्रेम, दीज आर द 3 फ्रेम्स, ये भी आपके फ्रेम्स हैं। तो ये आपका हो गया सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिस्टोरेशन इन्हेंसमेंट के साथ सेगमेंटेशन को भी कवर किया जाता है। एजेस, आपकी जो भी फीचर्स की हम बात करते हैं, लाइन, एजेस, शार्प कॉर्नर्स, पिक्सल्स, तो ये सब इसमें आते हैं आपके। बैकग्राउंड पॉइंट्स एंड देन थ्रेशोल्ड होल्डिंग, आपका चेन कोड, रिप्रेजेंटेशन अप्रोचेस, पॉलीगोनल्स एंड द बाउंड्रीज, देर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। 4-year डिस्क्रिप्टर्स, एंड देन डिस्क्राइब टेक्सचर्स, इट्स स्टैटिस्टिकल अप्रोच इन ग्रे लेवल पैटर्न्स। तो ये मैंने आपको अभी तक जो मैंने बताए हैं, ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं ये आपके 2-2 मार्क्स के आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन का लेंथ क्या रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इसलिए मैंने उनका साथ में आंसर्स भी दिया हुआ है, ताकि आप एस्टिमेशन लगा सकें कि
कि किस क्वेश्चन का लेंथ हम कितना रख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो मैं आपको आगे और वीडियो बताने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये हम बात करेंगे 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, ये मैं आपको कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप इसको कंटिन्यू आप मॉनिटरिंग करते रहें कि कौन कौन से क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी हम अगर तैयारी कर रहे हैं कहीं पे भी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की है, एक्स वाई जेड कोई एग्ज़ाम, कोई सा भी हो सकता है इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड, और इन्हीं क्वेश्चन से अकॉर्डिंगली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी आपके डाउट्स हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।